नमस्कार दोस्तों मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इन डिज़ाइन के अंदर पेज के बारे में जी हाँ पेज के बारे में पेज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऑल अबाउट जितने भी आपके पेजेस होते हैं उसको आप कैसे मैनेज करेंगे कैसे उसमें चैप्टर इसको मैनेज करेंगे उन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में मैं कवर आउट करने वाला हूं तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो so, मैं यहाँ पे न्यू फ़ाइल में चाहता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे न्यू फाइल में जो डिफ़ॉल्ट आपको पेज मिलता है लेटर पेज उसी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिंपल और यहाँ पे मैं पहले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे को कितने पेज लेने से मैंने यहाँ पे टेन पेजेस फ़िलहाल डाल दिए हैं और यहाँ पे जो मेरा फेसिंग पेजेस है ये मैंने ऑन रखा है फेसिंग पेजेस वैसे आपको पता होगा जैसे बुक के अंदर आप देखते हैं ना एक लेफ्ट साइड और राइट right साइड दोनों तरफ पेज होते हैं और अपने सामने जो पेज होते हैं उसी को कहते हैं यहाँ पे फेसिंग पेजेस ठीक है और जब भी हम फेसिंग पेजेस ऑन करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपके मार्जिन में इनसाइड आउटसाइड आ जाता है लेफ्ट और राइट right की जगह क्योंकि आउटसाइड वाला एरिया वो होता है जो एकदम बाहर के साइड में बुक के होता है और इनसाइड वाला वो एरिया होता है जो जिस साइड में बुक की सिलाई होती है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आउटसाइड एरिया जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे देख लो आपका ये लॉक है ये लगा हुआ है लिंक हो रखा है तो अगर मैं एक का चेंज करूँगा तो इसमें चारों में चेंज हो जाएगा तो पहले मैं इस लिंक को अनलिंक करता हूँ और यहाँ पर आउटसाइड के अंदर जो मार्जिन है वो वन इंच का यहाँ पर पास कर देता हूँ ठीक है बाकी यहाँ पर एक ही कॉलम रखने वाले कॉलम का डर जो बाई डिफ़ॉल्ट आया है वही यहाँ पर रहेगा ठीक है सिंपल मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे पास पेज आ गया है ये देखो ये देखिए यहाँ पे ये रहे फेसिंग पेजेस आपके ठीक है और यहाँ पे देखो हम पेज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं सब कुछ जो भी होता है पेज के बारे में तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज मेन्यू पहले मैंने पढ़ाई थी पेज के बारे में कि किस तरीके से वथ्थ वगैरह ये सब मार्जिन वगैरह ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ पेज के बारे में तो ये तो आपको पता ही है फेसिंग पेजेस वग़ैरह ये हॉइजोंटल ये क्या बोलते हैं पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये सब आप जानते हो ठीक है फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ पेजेस के बारे में जानेंगे और जो मेन यूज होता है इस पेज लेआउट का मतलब जो ये आपको ऑप्शन दिया ना पेजेस वाला इसका जो रियल यूज़ होता है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ ठीक है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को तो यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पे हमने टेन पेजेस लिए थे तो ये यह देखो यहाँ वन से लेकर टेन पेजेस मेरे को मिले हुए हैं ठीक है अभी बाय द वे मैं चाहता हूँ इसमें से कोई पेज डिलीट करना ठीक है जैसे मैं चाहता हूँ फोर्थ वाला जो पेज है इसको डिलीट करना तो सिंपल आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन देख रहे हैं सिंपल इस पर क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा अब आपको लगा होगा नीचे का टेंथ पेज डिलीट हो गया लेकिन नहीं बीच का जो फोर्थ पेज था वो डिलीट हो गया और फिर वो नीचे से पेज खिसक के ऊपर आ गया ठीक है ये ऐसे डिलीट हुआ बाकी आप नीचे से भी डिलीट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो पेजेस को और डिलीट कर दो और अगर आप चाहते हो यहाँ से लेकर के नाइन से ले कर तक के पेजेस से सब डिलीट करना तो सिंपल नाइन पे क्लिक करो और फिर शिफ्ट का बटन दबाए रखो और फोर पे क्लिक कर दो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और इन सबको आप एक बार में डिलीट कर दो सिंपल ठीक है डिलीट करना तो आपको आ गया पेज को अब इसमें अगर मेरे को और पेज जोड़ने हैं तो वो कैसे होगा तो यहाँ पे देखो आपको एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ना क्रिएट न्यू पेज सिंपल इस पर क्लिक करते जाओ जितने पेज चाहिए उतने पेज आपके आ जाएंगे जैसे मैंने 10, 11, 12 पेज ले लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ठीक है तो चलिए अब मैं आपको इसमें जो मेन इसका यूज है वो एक चीज आपको बताता हूं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ठीक है चीके? यहां पे देखो ये आपको ऊपर दिख रहा है ए पेरेंट शो हो रहा है, दिख पा रहे अब क्या है तो आप एक काम कीजिए इस पे डबल क्लिक कीजिए तो देखिए मैंने डबल क्लिक किया इस इसपे तो यहाँ पे जो अभी आपको पेज दिख रहा है ना ये पेरेंट पेजेस है अगर मैं अप डाउन करूं तो देखो ये सिर्फ दो ही पेजेस है हमारे दस बारह पेजेस नहीं शो हो रहे क्यों नहीं शो हो रहे हैं क्योंकि अभी हमने पेरेंट पेज को सिलेक्ट किया है अगर मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो देखो ये वाले पेजेस जो हैं वो आपको शो हो जाएंगे दस बारह वाले ठीक है तो मेरे को ये पेरेंट पेजेस चाहिए अभी तो सिंपल इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास पेरेंट पेजेस जो हैं लेफ्ट और राइट वाले वो ओपन हो जाएंगे अब इस पेरेंट पेज की खास बात ये है कि आप इस पेज पे जो कुछ भी बनाओगे वो सारी चीज़ें आपके नीचे वाले लेफ्ट और राइट पेजेस पे अपीयर हो जाएंगी जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मैं एक बुक बना रहा हूँ और उस बुक में आपने जैसे कि देखा होगा चैप्टर का जो नंबर होता है चैप्टर नंबर वो इधर लिखा होता है किसी किसी बुक के अंदर साइंस वगैरह में देखा होगा आपने चैप्टर नंबर लिखा होता है और चैप्टर का नाम लिखा होता है जब तक वो चैप्टर चल रहा होता है ठीक है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे इस पेरेंट पेजेस में वही चैप्टर का नंबर और चैप्टर का जो नाम है वो यहाँ पे बना के लिख देंगे ठीक है कैसे बनाएंगे वो डिज़ाइन वगैरह आपको आता है यह यहाँ पे आ, रेक्टेंगल टूल ले, ले लेता हूँ मैं ठीक है और सिंपल यहाँ पे मैं कुछ इतना बड़ा इस तरीके का लेबल चलो इतना छोटा यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे ठीक है और इसके अंदर लिख देता हूँ चैप्टर नंबर वन ओके okay, और इसको कलर करते हैं पहले कलर करने के लिए मैं प्रॉपर्टीज़ में चला जाता हूँ क्योंकि इसकी साइड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे मिल जाएंगी तो मैं इसमें कलर फ़िल कर लेता हूँ यहाँ से जैसे ये ब्लू कलर चलो पिंक कलर फ़िल कर लेता हूँ कुछ ज़्यादा ही डार्क पिंक कलर लग रहा है फिल हो गया कोई बात नहीं यहाँ से थोड़ा सा मैं हल्का कलर ले, ले लेता हूँ आई थिंक इतना काफ़ी होगा ठीक है ये कलर ओके हो गया इसके अंदर मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके स्ट्रोक हटा दूंगा मतलब आउटलाइन जो होती है हट गया उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ ठीक है टेक्स्ट टूल ये ले लिया टाइप टूल सॉरी और यहाँ से मैंने इस तरीके से ड्रा किया आपका टेक्स्ट फ्रेम और इसमें लिख देता हूँ चैप्टर नंबर वन ओके इसका साइज बड़ा कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से और बोल्ट वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट बी से बोल्ट हो जाता है वैसे बट यहाँ पे बोल्ट हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट ही ऐसा है जिसमें बोल्ट है ही नहीं ये देखो रेगुलर ही है सिर्फ ठीक है तो मैं इसका जो फॉन्ट चेंज करता हूँ ये कर देखो एक काम करते हैं ये ले लेते हैं ठीक है अब इसमें तो बोल्ट होगा ही तो मैं इसमें बोल्ट सेमी बोल्ट ले, ले, ले लेता हूँ ये अच्छा लग रहा है ठीक है बस इतना ही चाहिए हमें और बस इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ ठीक है ये देखो चैप्टर वन इसको थोड़ा सा सही से आप अप डाउन करके सेट कर लेना ये आ गया चैप्टर वन ओके और मैं जो राइट साइड वाला पेज है इसमें चाहता हूँ चैप्टर का नाम लिखा है कि कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है तो एक काम करते हैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे ठीक है अच्छा ये तो टेक्स्ट बॉक्स डुप्लीकेट कर लिया मैंने इस बॉक्स को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मुझे बनाना ना पड़े कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सेट कर लिया इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से यहाँ पे एक काम करते हैं ब्लू कलर फिल कर लेते हैं और ये कुछ ज़्यादा ही लाइट एकदम ब्लू है इसको थोड़ा सा हल्का चाहिए मुझे आ, कुछ इतना काफ़ी है ठीक है कोई बात नहीं और यहाँ पे चैप्टर वन लिखा है इसकी जगह मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ जैसे कि ये टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ Pages इन in InDesign, okay, ओके और इसको उठाता हूँ यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ ठीक है हो गया लेकिन यहाँ पे मेरा बॉक्स छोटा हो रहा है कोई बात नहीं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ओके है? और इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं ठीक है तो देख लो ये भी हमारा सेट हो गया ठीक है तो देखो गाइज जो हमने ये बनाया है चैप्टर वन और चैप्टर का जो नाम मैंने यहाँ पे लिखा है ये मैंने किस में लिखा है आपका पेरेंट पेजेस के अंदर ये देखो पेजेस में जाता हूँ तो देखो आपका पेरेंट पेजेस जो है वो सेलेक्ट हो रखा है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे जो नॉर्मल पेजेस हैं हमारे इन पे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक तो देखो यहाँ पे ये यह मेरा पहला पेज जो है वो ओपन हो गया है देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है पेजेस इन इन डिजाइन ठीक है नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये देखिए ये आपके जो नॉर्मल पेजेस हैं सारे के सारे ये देखो ये वो हैं इसमें आया चैप्टर वन पेजेस इन इन डिजाइन सब में देखो जितने भी नीचे के पेजेस हैं सब में ये लिखा हुआ आ गया ठीक है देख पा रहे हैं आप अब मेरे को क्या करना है इन सब पेजेस में पेज नंबर भी इंसर्ट करना है जैसे पेज नंबर वन पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री तो अब वो कैसे होगा तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे पेरेंट पेजेस का ही यूज करना होगा क्यों क्योंकि पेरेंट पेजेस के अंदर जो चीज़ आप लिखते हैं वो इन सभी पेजेस पे आता है तो हम पेज नंबर भी पेरेंट पेजेस के अंदर ही राइट डाउन करेंगे ठीक है तो आ जाइए वापस से पेरेंट पेजेस के अंदर और यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट कीजिए कैसे होगा सिंपल टाइप टूल ले लीजिए पहले छोटा सा एक कि यहाँ पे ऐसे और इसके अंदर आपको पेज नंबर इंसर्ट करवाना होगा कैसे इंसर्ट होगा सिंपल इस पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर का इसके अंदर आपको जाना है मार्कर्स के अंदर और इसके अंदर आपको मिलेगा करंट पेज नंबर और इसकी देख लो शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन ठीक है तो इसको भी आप प्रेस कर दोगे तो भी इंसर्ट हो जाएगा बाकी यहाँ से क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हो तो मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया ठीक है देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है ए क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ए पेरेंट है ना इस पेरेंट का नाम ही ए है इसी वजह से ए लिखा हुआ आया ठीक है ठीके? और जब आप इसमें देखोगे तो ये ए पेज नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अभी ये पे, इस पर है ना पेरेंट पर पे तो इस वजह से अपने नाम से शो हो रहा है ओके इसका भी साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हो जितना चाहे उतना आप रख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो तो और फॉन्ट वगैरह भी चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हो मैं तो कर ही लेता हूँ फॉन्ट भी चेंज आ, मैंने ऊपर कौन सा रखा था कहाँ गया हमारा फॉन्ट एक मिनट शायद यही मैंने फ़ॉन्ट रखा था ना इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे बोल्ट कर देता हूँ ठीक है बोल्ट मैंने कर दिया यहाँ पे ओके ठीक है चलिए इसे मैं नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे तो मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे सेंटर ऑफ द पेज मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया ये देखिए ठीक है परफेक्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये यह लग गया ओके अभी मैं वो क्या करना है इसी की एक डुप्लिकेट करना है और यहाँ पे भी इसको लगा लेना है कैसे इसको ऑल्ट का बटन दबा के रखूँगा और इसका कॉपी कर लूँगा ये देखो इस तरीके से और ये सेंटर में मैंने यहाँ लगा लिया ठीक है तो यहाँ पे भी हमने कर लिया ठीक है और आपको ये बात तो पता ही होगी कि मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ मतलब इसे ज़ूम अगर मेरे को करना है तो मैं कैसे ज़ूम कर रहा हूँ ऑल्ट का बटन दबाता हूँ और माउस का स्क्रॉल व्हील अप और डाउन करता हूँ तो ऐसे ज़ूम इन जूम आउट होता है ठीक है और अगर मेरे को इस पेज को मूव करना होता है तो इस पेस का जो बटन है वो मैं दबा के रखता हूँ तो हैंड टूल आ जाता है और फिर उसके बाद इस तरीके से मैं इसे मूव कर पाता हूँ ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं जो कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुका हूँ ठीक है बाकी आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं ठीक है तो देख लीजिए नीचे हमने यहाँ पे पेज पे पे नंबर जो थे वो यहाँ पे लगा लिए हैं आपके पेरेंट पेजेस में ओके अब हम नॉर्मल पेजेस में जाते हैं तो यहाँ पे देखो पेज नंबर वन ठीक है नीचे आ जाओ ये देखो पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री पेज नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन देख रहे हो सब जगह पे यहाँ पे आपके पेज नंबर भी इंसर्ट हो गए ठीक है तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे पेरेंट पेजेस ठीक है अभी जो यहाँ पे हमने पेज नंबर इंसर्ट किए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं और बोल्ट भी हो गए तो इसको बोल्ट वैसे नहीं करना चाहिए था अच्छे नहीं लग रहे हैं फ़िलहाल तो एक काम करता हूँ वापस से आता हूँ पेरेंट पेजेस के अंदर और ना इसको मैं अनबोल्ट कर देता हूँ यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और इसको लाइट ही कर देते हैं और इसका साइज भी ना थर्टी फोर है इसका साइज़ मैं फोर्टीन कर देता हूँ नहीं फोर्टीन ज़्यादा छोटा हो गया एटीन ठीक है या ट्वेंटी ट्वेंटी कर देते हैं एक काम करते हैं ट्वेंटी ठीक है ओके okay. इस वाले को डिलीट करता हूँ यहाँ से मैं और इसी का फे से डुप्लीकेट कर लेता हूँ ठीक है और उससे पहले आपको एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ इसके अंदर ना आप ख़ुद से कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो जैसे कि आप चाहते हो इसके आगे लिखा हुआ है पेज नंबर ठीक है तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ टाइप टूल ले लो यहाँ पे कैसा रखो इसके आगे और लिख दो पेज ठीक है अब ये गायब क्यों हो गया क्योंकि जो बॉक्स था ना ये छोटा हो गया है देखो मैं ये टूल लेता हूँ आपका सिलेक्शन टूल और ना इसको मैं थोड़ा सा ऐसे आ, बढ़ा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे आ गया पेज वन पेज टू इस तरीके से आ जाएगा ठीक है इसको सेंटर वगैरह करना चाहो तो अलाइनमेंट वग़ैरह भाई अब ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है अरे देखो फॉन्ट चेंज हो गया हमारा कोई बात नहीं बाकी इसके अलाइनमेंट वगैरह हम यहाँ से सेट कर ही सकते हैं आपको पता ही है सेंटर में करना है सेंटर कर लो ओके ठीक है तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा ऐसे कर देता हूँ ओके और इसी का मैं डुप्लीकेट करके दूसरे पेज पे भी लगा देता हूँ ओके ये मैंने ऑल्ट के साथ इसको उठाया और यहाँ रख दिया ठीक है अब देखो यहाँ पे पेज व ए पेज ए शो हो रहा होगा आपको दिख रहा है ना अब मैं नॉर्मल पेजेस पे जाता हूँ जरा यहाँ पे और यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो देखो शो हो रहा है पेज वन ठीक है पेज टू पेज थ्री पेज फोर पेज फाइव ये बहुत अच्छा लग रहा है वो बोल्ट वाला था तो अच्छा नहीं लग रहा था ठीक है तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कितनी आपको मेन चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है ठीक है अब चलिए यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं बाय द वे यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर वन है वो आपका सेवन्थ पेज पे समझ लो खत्म हो रहा है ठीक है और एट पेज से आपका चैप्टर नंबर टू स्टार्ट हो रहा है तो क्या उस केस में भी जो आपका ये पेज नंबर एट पे चैप्टर टू स्टार्ट हो रहा है तो हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए चैप्टर नंबर टू चाहिए लेकिन यहाँ तो अभी भी चैप्टर नंबर वन आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे हम लोगों ने जिस तरीके से चैप्टर वन के लिए यहाँ पे पेरेंट के अंदर सब कुछ डिज़ाइन किया था वैसे ही हम 8 से लेकर के जहाँ तक आपका चैप्टर नंबर टू चलेगा वहाँ तक के लिए हम एक और पेरेंट को क्रिएट करेंगे ठीक है नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए जिस तरीके से हमने इन सभी पेजेस के लिए एक पेरेंट यहाँ पे बनाया था ना पेरेंट क्या बनाया था मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेरेंट बना बनाया हमें मिल गया था बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला पेरेंट होता है तो हमने जो भी इसमें किया वो सब इसमें आ गया अब हमें चैप्टर टू के लिए एक पेरेंट बनाना पड़ेगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो हम बनाएंगे वो चैप्टर नंबर टू के अंदर आएगा ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए कोने में आपको ऑप्शन दिख रहा है सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है न्यू पेरेंट ठीक है सिंपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो प्रीफिक्स बी आ रहा है मतलब बी पेरेंट मतलब सेकंड चैप्टर के लिए हम बना रहे हैं ओके ये चलता जाता है ए बी सी डी इस तरीके से ओके यहाँ पे देखो एक और आप्ष्ण, आपको ऑप्शन मिल रहा है बेस्ड ऑन पेरेंट यहाँ पे नन हो रखा है और यहाँ पे एक हो रखा है ए पेरेंट अगर मैं यहाँ पे ए पेरेंट सेलेक्ट कर लूंगा तो होगा क्या कि जो मेरा बी पेरेंट बन के आएगा उसके अंदर ए पेरेंट के अंदर डिज़ाइन की गई सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को पहले से मिल जाएगी और फिर मैं बी पेरेंट के अंदर कुछ एडिशनली कुछ ऐड करना चाहता हूं तो वो मैं ऐड कर सकता हूं ठीक है लेकिन मेरे को ऐसा ऐड वगैरह कुछ करना नहीं है तो सिंपल मैं इसको नन ही रखूँगा क्योंकि मेरे को बी पेरेंट एकदम पूरा फ्रेश चाहिए ताकि मैं बी पेरेंट के अंदर कुछ भी जो डिज़ाइन करूँ वो मेरे चैप्टर नंबर टू में आ सके ठीक है तो आप इसे नाम रखिएगा और ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखो अब यहाँ पे आपके पास बी पेरेंट आ गया ठीक है तो अब आपको क्या करना होगा जिस तरीके से आपने ए पेरेंट में डिज़ाइन किया था ये सब डिज़ाइन कर लो और बस चैप्टर वन की जगह चैप्टर टू कर दो और चैप्टर का नाम चेंज कर दो ठीक है बट आप चाहते नहीं कि ये वापस से मुझे बनाना पड़े ये जैसे मैंने बना के रखा है ना यहाँ पे दोनों बॉक्सेस बनाए हैं यहाँ पेज नंबर लगाया है ये सब तो अब आपको इसमें भी लगाना पड़ेगा ये तो सब कुछ पूरा खाली है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो अगर आपको बस कुछ टेक्स्ट ही चेंज करना है सब डिज़ाइन सेम ही रखना है ये सब तो इसका डुप्लीकेट कर सकते हो तो मैं क्या करता हूँ पेरेंट बी को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो ठीक है और फिर ए पेरेंट का डुप्लीकेट कर लेता हूँ राइट क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट पेरेंट ओके और यहाँ पर देखो बी पेरेंट अपने आप ही आ जाएगा ठीक है मतलब जो नाम होगा ना इसका अगर डुप्लीकेट करोगे तो नाम ऑटोमेटिकली बी आ जाएगा ठीक है अभी मैं बी पेरेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो बी पेरेंट ये ओपन हो रखा है अब मैं सिंपल क्या करूँगा ये चैप्टर वन है यहाँ पे ना इसको मैं चैप्टर टू कर दूंगा ओके और यहाँ पे जो पेजेस इन इन डिजाइन लिखा है ना इसको मैं एक काम करता हूँ यहाँ कर देता हूँ टूल्स इन इन डिज़ाइन ओके तो यहाँ पे चैप्टर टू है मेरा टूल्स इन इन डिज़ाइन का तो मेरा ए पेरेंट बन गया है और बी पेरेंट भी बन गया है और बी पेरेंट में मेरा जो पेज नंबर था वो भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है सब कुछ ठीक है और देखो यहाँ पे बी पेरेंट है तो देखो लिखा है ना पेज बी पेज बी ओके अब आ जाओ जो है नॉर्मल पेजेस पे डबल क्लिक किया अभी देखिए नॉर्मल पेजेस पे आपके कौन सा पेरेंट लगा है तो देखो नॉर्मल जो पेजेस हैं आपके उन सब पे अभी ए पेरेंट देखो लगा हुआ है ए पेरेंट ए पेरेंट ए ए ए देखो सब पे लगा हुआ है ना यहाँ पे भी देख लो आप सब में चैप्टर वन ही अभी यहाँ पे चल रहा है ये देखो चैप्टर वन चैप्टर वन सब पे ओके लेकिन मेरा जो चैप्टर नंबर टू है वो एट्थ पेज से स्टार्ट है और ट्वेल्थ चैप्टर तक मतलब ट्वेल्थ पेज तक खत्म है ठीक है तो आप क्या करो जहाँ से आपका आ, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाला उस पर आप राइट क्लिक करो ठीक है और यहाँ पे ये अप्लाई पेरेंट टू पेजेस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो ठीक है और फिर यहाँ पे अप्लाई पेरेंट में बी पेरेंट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे पेज डिफाइन कर दो कि कहाँ से लेकर किस पेज तक आपको सेकंड चैप्टर चल रहा है जिस पे बी पेन्ट अप्लाई हो जाए तो मेरे को यहाँ पे बताना है कि एट से लेकर के ट्वेल्थ पेज तक मेरा चैप्टर टू चल रहा है तो एट से ट्वेल्थ इस तरीके से आप लिख दीजिएगा और ओके okay कर दीजिएगा तो जैसे ही आप ओके okay करोगे ना तो यहाँ पे जहाँ देखो ए ए लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे बी बी लिखा आ जाएगा इससे आपको ये पता चल जाएगा कि, कि किस पेज पे ए पेरेंट अप्लाई हो रखा है और किस पेज पे बी पेरेंट अप्लाई हो रखा है तो देखो मैं ओके okay करता हूँ तो देखो इस पर बी 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 हो गया ना सब पे बी और ऊपर वाले पे ए अब देखो चलो चलते हैं एट्थ पेज पर देखते हैं कि हमारा पेरेंट बी इस पर अप्लाई हुआ कि नहीं तो ये देखो पेज नंबर एट है और देखो कौन सा है चैप्टर नंबर टू और टूल्स इन इन डिज़ाइन और अगर मैं ऊपर जाऊं यहाँ पे सिक्स और सेवन पे देखो चैप्टर नंबर वन और पेज इन इन डिज़ाइन ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप किस तरीके से चैप्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और रियलिटी में जो आपके साइंस के चैप्टर्स होते हैं या इंग्लिश के या कोई सी भी बुक के चैप्टर्स होते हैं वो किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं अब इसके अंदर यह काम तो अब आपको जानते ही हो आपको पता ही है कि किस तरीके से टेक्स्ट आपको डिज़ाइन करना है चैप्टर नंबर यहाँ लिख दीजिए मतलब चैप्टर का नाम लिख दीजिए फिर पैराग्राफ में बॉक्स बना बना के टेक्स्ट फ्रेम में आपको जो पैराग्राफ लिखने हैं वो लिखते जाइए यहाँ पे फ़ोटो वगैरह इंसर्ट करना भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सब कुछ सिखा दिया था ठीक है ये जो वीडियो था आपका पेज से रिलेटेड था आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा हाँ और और इसके अंदर एक चीज़ और भी है जरा वो भी आप ध्यान से समझिए जैसे कि आपने ये भी देखा होगा जो आपकी बुक्स होती है उस बुक के अंदर आपका जो पेज नंबर वन होता है वो रियलिटी में पेज नंबर वन से स्टार्ट होता ही नहीं है जैसे कि जब भी आप अपना बुक खोलते हो तो उसके अंदर सबसे पहला पेज कौन सा आता है पहला पेज तो आपके बुक का नाम होता है या और उसके आगे उसका रेट होता है फिर उसके अंदर प्रियम्बल वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ें होती हैं फिर उसके अंदर इंडेक्स पेज होता है तो दो तीन पेज एक तरीके से देखा जाए तो बुक के अंदर पहले छोटा रहता है और उसके बाद से उसके अंदर पेज नंबर वन पेज नंबर टू पेज नंबर थ्री लिखा हुआ आता है है ना तो मैं भी यहाँ पर क्या चाहता हूँ मैं भी ये चाहता हूँ कि जो मेरा पहला पेज है ना वो मेरे बुक के नेम के ऊपर होगा जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ बना ही देता हूँ ये मैं टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम ऐसे ही बनाया इसमें लिख देता हूँ इन डिज़ाइन बुक कुछ इस तरीके से इन डिज़ाइन बुक ओके हाँ ठीक है इन डिज़ाइन बुक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ साइज बड़ा कर लेते हैं और मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी से ओके okay, इसका फॉन्ट वगैरह मैं चेंज कर ही लेता हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे ये मैंने रख लिया ओके okay, डन ठीक है ये मेरा समझ लो पहला पेज ठीक है लेकिन इस पहले पेज में हम पेज नंबर नहीं देना चाहते और ना ही ये जो देख रहे हैं ना ये पेजेस इन इन डिज़ाइन लिखा हुआ ये भी नहीं देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे ज़रा उसको समझिए देखिए यहाँ पे पेरेंट ए भी है पेरेंट बी भी है और देखो यहाँ पे एक क्या है नन जिसमें मैं कुछ भी नहीं देना चाहता ना पेरेंट ए देना चाहता हूँ ना पेरेंट बी देना चाहता हूँ कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ ठीक है तो जैसे मैं इसी को बस कवर पेज बना लेता हूँ और मैं चाहता हूँ जो सेकेंड पेज है इस सेकेंड पेज से मेरा पेज नंबर वन लिखा हुआ आ जाए ठीक है तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा इस ए पेरेंट पे इस नन को अप्लाई करूंगा कैसे राइट right क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई पेजेस और यहाँ पे ए पेरेंट की जगह नन और किस पेज पे नन अप्लाई करना है मेरे को फर्स्ट पेज पे ही तो ओके okay कर देता हूं तो देखो रिमूव हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पे जो पेज नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो तो यहीं से हो रहा है बेशक इस पे पेज नंबर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ लेकिन इंटरनली तो यहाँ पे इसको ही पेज नंबर वन माना जा रहा है तभी तो यहाँ पे देखो पेज नंबर टू और पेज नंबर थ्री यहाँ पे आ रहा है लेकिन हम क्या चाहते हैं पेज नंबर वन यहाँ से चालू हो ठीक है तो अब हमें क्या करना होगा जरा वो ध्यान से समझिएगा जिस पेज नंबर से आप पेज नंबर को स्टार्ट करना चाहते हैं उस पेज पे राइट क्लिक कीजिए और ये जो दोनों ऑप्शन जो आप ये टिक देख रहे हो इसको ऑफ कर दीजिए इसको भी ऑफ कीजिए और इसको भी ऑफ कीजिए ठीक है देन उसके बाद इस पर फिर से राइट क्लिक कीजिए और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन का इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को स्टार्ट कर देना है स्टार्ट कह रहा हूं मतलब सेलेक्ट कर लेना है स्टार्ट पेज नंबर एट वन ओके और सिंपल ओके okay के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर वापस से ओके okay के बटन पे क्लिक करेंगे ठीक है तो अब जरा यहाँ पे देखो आपका यहां पे भी देखो पेज का नंबर जो चेंज हो गया देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये देखो यहाँ पे भी आपका पेज नंबर चेंज हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके सो so आशा करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो थी ये आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी होगी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि जो भी मेरे को बताना था इसके अंदर पेज से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं अब आपको इसमें बता चुका हूँ और अब आप इजीली चैप्टर्स को इसमें डिज़ाइन वगैरह वो सब आप कर सकेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे को ये शेप टूल रेक्टेंगल टूल बताने की ज़रूरत है बाकी ये सब चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको जितने मैंने पहले वाले सॉफ्टवेयर आपको सिखाया वो सब मैंने उसमें आपको बता दिया था और स्टार्टिंग की वीडियो में भी मैंने आपको इसे बताया है ठीक है रेक्टेंगल टूल लेना है टूल लेना ये सब कुछ आपको आता है ठीक है सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है तो अब आप अच्छे से कोई सी भी बुक्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं ठीक है और अभी भी एक दो चैप्टर्स आएंगे इसके अंदर मैं आपको जो भी चीज़ छोटी मोटी चीज़ जो मेन मेन चीज़ें हैं जो रह गई हैं वो भी मैं बताऊंगा ठीक है तो वेट करिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो हैव अ नाइस डे